नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज प्रतापगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारी सड़कों पर नजर आए। विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए सूरजपोल चौराहे पर उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विधायक रामलाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 5 महीने में 45 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार मजदूरों, किसानों और आमजन का शोषण करने पर तुली हुई है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना रूपी महामारी की आपदा झेल रहा है, दूसरी तरफ निरंकुश मोदी सरकार आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाले ही जा रही है। आप सब ने देखा होगा, कोरोना जैसी महामारी के अंदर पूरा देश जूझ रहा था, उधर मोदी सरकार ने 3-3, 4-4 बार पेट्रोल डीजल और गैस के भाव दाम बढ़ा दिए, खाने के तेल के दाम बढ़ा दिए, 200 रुपये हो गए। उसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें आप सभी को पता है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम और खाद्य तेल और खाद्य सामग्री के दाम किस तरह से बढ़ गए हैं। एक तरफ तो राजस्थान की गहलोत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत वैक्सीन फ्री करने में लगे हुए हैं और लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, कोरोना से लोगों को कैसे बचाया जाए इसमें लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, उसी को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हम आम जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर तब तक खड़े रहेंगे तब तक जनता को राहत नहीं मिल सकती। इसलिए आज मैं इसी मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, खाद्य सामग्री के दाम बढ़ाए हैं उनको किसी भी प्रकार से वापस लें ताकि जनता को सहायता मिल सके। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।